आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खड़ा हुआ हूं इस अमेंडमेंट बिल को समर्थन के लिए, लेकिन कुछ बातें मैं रखना चाहूंगा पूरे सदन के मध्य में कि अगर बंद जेहन को खोलने के लिए हर बार भारत बंद करना पड़े तो ये अपने आप में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कितनी बार भारत बंद करेंगे कि बंद जेहन खुले। दूसरी चीज, माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि कई चीजें हो रही हैं। एक संस्था है, जब तक ये सदन, हम सब लोग, सत्ता और प्रतिपक्ष, उस संस्था के में चरित्रगत बदलाव नहीं लाते हैं तो बार बार इस सदन को मैं आगाह करता हूं, साथियों हमें बार बार माननीय सभापति जी के माध्यम से हमें बैठना पड़ेगा। एक रोस्टर का मामला अलग पड़ा हुआ है, उसमें SLP दायर किया है सरकार ने, अब ये मामला है। मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि चाक चौबंद व्यवस्था कीजिए, ऐसी व्यवस्थाएं कीजिए। मैं सदन के माध्यम से याद दिलाऊं सर, 2016 की रोहित बेमुला नाम का एक इंसान इस मुल्क से गया, खुदकुशी की उसने। उसने खत में एक लाइन लिखी थी सर, मेरा जीवन एक घातक दुर्घटना है। करोड़ों लोगों का जीवन एक घातक दुर्घटना इस मुल्क में है और वो करोड़ों लोग इस सदन की ओर देख रहे हैं। बाकी संस्थाओं का उत्तरदायित्व जनता के साथ नहीं है, हमारा आपका उत्तरदायित्व जनता के साथ है। मैं समझता हूं कि यह हमें नहीं भूलना चाहिए। यह सत्ता प्रतिष्ठान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था, क्यों 5 महीने लग गए हमें, क्यों हमें लग गए इस अध्यादेश को? अध्यादेश से हम चीजों को संवार सकते थे, बना सकते थे। और मैं कहना चाहूंगा सर कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम आए तो सही। शुक्रिया।